बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन सामीन अस्सलामु अलैकुम। मैं डॉक्टर मंजूर सरमले का सर्जन बावलपुर से बोल रहा हूँ। मैं आज आपको एक केस के बारे में बताऊंगा। वो केस ये है कि बाज़ औक़ात हमारे पास बच्चे या नौजवान लड़के या लड़कियां आती हैं तो वो कहती हैं कि हमें दोनों आँखों से बिल्कुल नज़र नहीं आता, या समटाइम्स वो कहती हैं कि हमें एक आँख से बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा, और उनके वालदैन उनके लवाहिकीन परेशान हो जाते हैं कि ये क्यों हो गया है और अचानक कैसे हुआ है। और अचानक वो इस तरह का उनको मसला होता है तो ज़ाहिर है उससे फिर पेरेंट्स हैं या लवाहिकीन हैं परेशान हो जाते हैं। क्या मसला है इसका? इसकी नज़र तकरीबन 2-3 महीने हो गए हैं, एक आँख बताता था अभी मेरी कमज़ोर है। तो 2-3 मरतबा डॉक्टर साहब के पास गए उधर जलालपुर में, तो फिर वो नहीं मिले अचानक कोई नज़र नहीं आता भी, एक आँख कमज़ोर भी बिल्कुल कमज़ोर। आप दोनों से नज़र नहीं आता? कल असर से तकरीबन बिल्कुल ही नज़र खत्म हो गई थी, दोनों आँखों की। तो सुबह मैं गया हूँ इसके पास इस्लामाबाद से अभी आया, तो इस्लामाबाद से आया हूँ तो उन्होंने कहा कि पेम्स अस्पताल में चले जाओ। पेम्स अस्पताल में गए, उन्होंने बस ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया होता है, कभी उधर जाए कभी MIR कराएं, पर्दे का वो एक्सरे वगैरह कराएं, भी हमारी मशीनें खराब हैं। तकरीबन परसों भी ऐसे किया, आज सुबह भी ऐसे किया, आज फिर 12 बजे से उधर से रवाना हुए हम। तो सुबह से तकरीबन 1 किलो दूध दिया है, तो इस्लामाबाद से डायरेक्ट इधर आ रहे हैं? जी डायरेक्ट इधर आए। अच्छा, सुकून दिया थोड़ा घंटे खन के बाद जब आँख खुली कहते हैं मेरी नज़र ठीक हो गई है, जिस तरह पहले थी उस आँख की ठीक है, दूसरी की जिस तरह कमजोर थी उस तरह है अभी। अब कहता है दोबारा ऐसे अभी कमजोर है अभी, वैसे नजर नहीं आता, आता है नजर लेकिन कमजोर है। अभी मेरे पास ये केस आया है, ये जवान पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है कहीं इस्लामाबाद में, तो वहाँ इसको अचानक ये महसूस हुआ है कि उसको दोनों आँखों से नज़र नहीं आ रहा। तो अब उसने अपने भाइयों को बुलाया है, भाई उसको मेरे पास ले आया है। वैसे तो वहाँ कोशिश करते रहे हैं सरकारी अस्पतालों में दिखाने की, लेकिन किसी ने कोई इसका बेहतर इलाज नहीं किया। उन्होंने को टेस्ट वगैरह बताएं, MRI कराओ, CT स्कैन कराओ और मुख्तलिफ टेस्ट बताए हैं, तो ये कर परेशान हो के मेरे पास अब आए हैं। तो मैंने इनको देखा है, जब ये मेरे पास आए हैं तो इन्होंने भाई ने उसके पूरा उसको सहारा दिया हुआ था, यानी वो खुद अकेला चल के नहीं आया क्लिनिक के अंदर, भाई के सहारे से, क्योंकि वो बता रहा था कि उसको बिल्कुल नज़र नहीं आता, तो भाई के सहारे वो चल के आया है। उसको नज़र उसके मुताबिक उसको नज़र नहीं आ रहा था, तो मैंने उसको बिठाया, दिखाया, देखा तो उसका प्यूपिल रिएक्शन ठीक था, उसके फंडस वगैरह पर्दे वर्दे अंदर रेटिना वगैरह ठीक था। तो उससे फिर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये केस या तो बलिंगरिंग कर रहा है, बहाना कर रहा है, या फिर ये हिस्टेरिकल केस है, फंक्शनल केस है। इसने अपने ऊपर ये एक तारी कर लिया है कि इसको नज़र नहीं आता। ये लोग होते हैं कुछ बच्चे या जवान जिनमें नफ्सियाती दबाव की वजह से ये परेशान हो जाते हैं और इन पर हिस्टेरिकल दौरे पड़ते हैं, अपने ऊपर ये तारी कर लेते हैं कि जैसे एक इनके मसलन कि उनका जिस्म शल हो गया है, फालिज हो गया है, शल हो गया है, चल नहीं सकते, या वो आँख का ये तारी कर लेते हैं अपने ऊपर कि उनकी नज़र बंद हो गई है, उनको नज़र नहीं आता। तो इस तरह के केसेस हमारे पास आते हैं तो हम उनको देखते हैं, और तसल्ली करने के बाद अगर कोई ज़रूरी टेस्ट हो तो वो भी करा लेते हैं, वरना आमतौर पर हमें अंदाज़ा हो जाता है कि या तो ये मलिंगरिंग कर रहे हैं, बच्चे बाज़ू का स्कूल जाने से कतराते हैं तो वो भी ऐसे कर लेते हैं, या फिर हिस्टेरिकल दौरा है इनको
फंक्शनल केसेस हैं, तो इनको फिर हम अपने तरीके से इनको समझाते भी हैं, इनका कॉन्फिडेंस बहाल करते हैं, इनके जो लवाहकीन हैं उनको हम बताते हैं, समझाते हैं कि इनकी किस तरह केयर करें ताकि इनका कॉन्फिडेंस बहाल हो। तो इसी तरह का ये नौजवान अभी इसको ये जो बताया कि नज़र नहीं आता, इसको दिखाया, इसका थोड़ा कॉन्फिडेंस बहाल किया, एक आंख को देखा, उससे थोड़ा सा इसने पढ़ना शुरू किया कि मुझे ये ऊपर वाले लफ्ज़ नज़र आए, फिर दूसरी आंख को, इस तरह करते कराते उसका इतना कॉन्फिडेंस बैठे बैठे बहाल हो गया कि अब वो एक कुर्सी से उठकर दूसरी कुर्सी पर जा सकता है, और इवन ये बाहर क्लिनिक से बाहर चल के गया है, खुद चल के गया है बग़ैर सहारे के, भाई उसका अलग दूर बैठा हुआ है। तो इस तरीके से इन लोगों को डील करके हम इनकी इसलाह कर लेते हैं, लेकिन अगर बाज़ात इनकी तशखीस अगर सही ना हो तो फिर इसमें इन लोगों को काफ़ी परेशानी होती है। लवाहकीन बहुत परेशान होते हैं कि एक नौजवान बंदा, नौजवान बच्चा, जवान बच्चा वो अगर अंधा हो गया है तो उनको तो परेशानी होती है कि अचानक ये क्या हो गया है। तो इस तरह की सूरत में हम कॉन्फिडेंट होते हैं, हमें नज़र आ रही होती हैं चीज़ें, हम चीज़ें उसको एग्ज़ामिनेशन कर लेते हैं तो हमें अंदाज़ा हो जाता है कि ये मलिंगरर है, फंक्शनल केस है, या कोई इसमें कोई वाकई प्रॉब्लम है, कोई ऑर्गेनिक डिज़ीज़ है जिसकी वजह से इनको नज़र नहीं आता, फिर उसी तरीके से हम उनका इलाज करते हैं। तो ये एक्चुअली जो जवान है ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंटेड है। इसका भाई बता रहा था कि इसने FSC में बहुत अच्छे मार्क्स लिए थे, बल्कि उसके मुताबिक इसका किंग एडवर्ड में MBBS में दाखिला हो गया था, लेकिन उस वक्त भी इसने इस पर इस तरह के दौरे होते थे जिसकी वजह से इन्होंने MBBS की तालीम इसकी छुड़वा दी थी, डॉक्टरों के मशवरे पर कि इसकी तालीम छोड़ दें। हालांकि उस वक्त डॉक्टर साहबान को भी चाहिए था कि इनकी कोई दवाइयां वगैरह करते, नफसियाती इलाज करते, तो इसकी इसका जो कैरियर है, वह फ्यूचर है, वो तबाह ना होता। अब ये फिर टैलेंटेड था, फिर ये इसकी सिलेक्शन हो गई कोई पुलिस डिपार्टमेंट में, अब ये जॉब कर रहा है, लेकिन फिर अब इसको दौरे हो रहे हैं। तो अब ये मैंने इनको गाइड तो किया है, अब ये नज़र तो इसकी काफ़ी बेहतर हो गई है, अब ये खुद चल के गया है, इसका ये तो कॉन्फिडेंस बहाल कर दिया है। बाकी मज़ीद मैंने इनको एडवाइस किया है कि किसी अच्छे माहिर नफ्सियात के पास जाएं, इसका मुस्तकिल इलाज करें, ताकि ये जो भी काम कर रहा है, जो भी अब जॉब इसने अडॉप्ट किया हुआ है, उसको ये इसको कंटिन्यू कर सके, ताकि उसमें ब्रेक आ गई तो फिर इसका दूसरा एक और फ्यूचर जो इसने जॉब शॉप मिला हुआ है तो वो उसको भी लूज़ ना कर दे कहीं। तो इस तरह के नफ्सियाती बच्चे या नौजवान हमारे मुआशरे में होते हैं तो उनका इलाज बहुत सिंपल होता है बाज़ुकात, लेकिन लाइलमी की वजह से और उनको सही गाइडेंस ना मिलने की वजह से उनका बाज़ुकात फ्यूचर भी तबाह होता है, और ये लोग बेचारे ख़र्चा भी बहुत कर जाते हैं, लेकिन इनको फिर सही टाइम पे एडवाइस ना मिलने की वजह से उससे फिर काफ़ी नुकसान उठाना पड़ता है। मसलन जैसे इसका MBBS का दाखला ज़ाया हो गया, या अभी इसकी जॉब स्टैक पे चली जाए, तो इसलिए इनको हमदर्दी के साथ इनका इलाज करना चाहिए ताकि इनकी जो ज़िंदगी है वो बहाल हो सके और ये नॉर्मल ज़िंदगी बसर कर सकें। ये लोग बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते हैं, बाज़ुकात बहुत टैलेंटेड होते हैं, तो इनकी थोड़ी सी जलजोई करने से, इनके साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत से इनसे सलूक करने से, इनका कॉन्फिडेंस बहाल करने से बहुत ज़्यादा इनकी ज़िंदगी में तब्दीली आ सकती है और ये मुआशरे के बेहतरीन फ़र्द साबित हो सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।